हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ समीर, आपका दोस्त और होस्ट। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए लेके आते हैं न्यू बिजनेस आइडियाज एवरी डे। जी हाँ, एवरी डे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट स्टेशनरी बिजनेस। जी हाँ, ऑफिस स्टेशनरी बिजनेस। अब स्टेशनरी जो है वो काफ़ी एक बड़ी इंडस्ट्री है और इसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये यंग पॉपुलेशन जो है वो पढ़ाई कर रही है, उनको स्टेशनरी चाहिए, कॉलेज में जा रहे उसको स्टेशनरी चाहिए, प्रोजेक्ट्स बनाते उसके लिए स्टेशनरी चाहिए, ऑफिसेज ओपन हो रही है, यही सब पॉपुलेशन ऑफिसेज में जाएगी, काम करेगी, वर्कफोर्स बनेगी। तो स्टेशनरी अपने आप में एक बहुत ही बूमिंग और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब डिपेंडिंग आपका इंटरेस्ट इस बिजनेस में कैसा है और आपका माइंड कैसा है, प्लस इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी कैसी है, उसके हिसाब से आप स्टेशनरी बिजनेस में आ सकते हो। तो उस हिसाब से आप स्टेशनरी बिजनेस में आ सकते हो। आप स्टेशनरी के रिटेलर, होलसेलर भी बन सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी बन सकते हो। मैन्युफैक्चरर बनने के लिए आपको और लाइसेंसेस की ज़रूरत लगेगी, बड़ा प्लांट होना चाहिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन आप, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा कि आप रिटेलर बने हो स्टेशनरी के, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। आप जो है फ्लेक्सिबल रह सकते हो, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। जो होलसेलर्स हैं और दूसरे लोग हैं वो आपको क्रेडिट पे माल दे देते हैं, ऑफिस वाले आपसे माल लेके जाते हैं। तो अपने आप से रिटेलर बनना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप रिटेल बिजनेस में जा सकते हो। अब स्टेशनरी के बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो और आप बूमिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो। आप स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो, आप जो है वो ऑफिसेस को टारगेट कर रहे हो, किसको टारगेट कर रहे हो। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो तो आपका जो शॉप है वो स्कूल्स या कॉलेजेस के आसपास होना चाहिए। अगर आप ऑफिसेस को टारगेट कर रहे हो तो आपका जो शॉप है वो ऑफिस एरिया में होना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप रख सकते हो, लेकिन वहाँ पे ऑफिसेस कम होती है, ऑफिस एरिया में होना चाहिए। अब आप जो है वो स्टेशनरी आइटम में क्या क्या आप रख सकते हो। आप रख सकते हो पेन्स, पेपर्स, और साथ में जो ऑफिस स्टेशनरी है उसका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कार्ट्रेजेस, प्रिंटर्स, प्रिंटर की इंक्स और ऑफिस के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हो। प्लस साथ में मैंने ये देखा है कि स्टेशनरी शॉप्स जो ऑफिस के पास है वो पानी की बॉटल्स भी रखते हैं, बिस्लरी के बॉटल्स एंड ऑल, क्योंकि वो ऑफिसेज में लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आप में स्टेशनरी बिजनेस बहुत अच्छा है और ऑफिस स्टेशनरी का बिजनेस तो और भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन अभी एक सवाल लोग ये पूछते हैं कि मुझे ऑफिस स्टेशनरी का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो मैं कस्टमर कहाँ से लाऊं और मार्केटिंग कैसे करूं। तो उसके लिए मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरे पास में एक डेटाबेस है जिसमें नवी ओपन की हुई ऑफिसेज एरिया वाइज पूरे इंडिया में जो जो नई ऑफिसेज ओपन हो रही है एवरी मंथ, शहर के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, उसका डेटाबेस है। आप एक ऑनलाइन स्टेशनरी स्टोर भी ओपन कर सकते हो। काफ़ी सारे, एक स्टेपल्स नाम का एक ऑनलाइन स्टेशनरी स्टोर है जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर आपको कस्टमर पाने के लिए डेटाबेस चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको डेटाबेस देंगे और आप उससे अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हो। जाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है स्टेशनरी स्टोर ओपन करना चाहते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है, हम लोग उसके लाइसेंसेस आपको बनवा के दे सकते हैं। और आपको अगर इसके अलावा आप किसी और वीडियो पे, आप किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो मेरा आप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, प्लस आप कमेंट बॉक्स में से भी लिख के मुझे बता सकते हो कि किस टॉपिक पे मैं न्यू वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।